माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू गाइस डूइंग? आई होप सब लोग ग्रेट हैं, अमेजिंग हैं। आई एम ग्रेट एज वेल। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। टॉप 25 करंट अफेयर्स तुम लोग के साथ मैं आज कवर करने वाली हूँ। जल्दी से देख लो, आज आप सब लोग ज्वाइन इन कर लो। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो पीयूष, हेलो सवराज, सफराज, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग सब लोग, आ जाओ। सब लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेस्ट 25 करंट अफेयर्स कौन से हैं। द लर्निंग बिगिंस हियर। इट्स टाइम वी लुक एट द बेस्ट 25 करंट अफेयर्स। बेस्ट प्रिपरेशन तुम्हारी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, एग्जाम डेफिनेटली तुम क्रैक करके आओगे। आई कैन गारंटी दिस फॉर श्योर। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग हीना, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब अपने फ्रेंड्स को बुला दो, शेयर कर दो इस सेशन को कि यस दिस सेशन हैज बिगन, करंट अफेयर्स यहाँ पर बेस्ट कवर हो रहे हैं। सब लोग यहाँ पर आ जाओ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अमन। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दैट हैज टू से हु हैज ब्रोकन अ 30-year-old रिकॉर्ड ऑफ बहादुर प्रसाद इन 5,000 meter, सेटिंग अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ टाइमिंग 13 hours 25 minutes 65 seconds एट द साउंड रनिंग ट्रैक मीट। 5,000 meters वो उन्होंने रनिंग करी है। बेसिकली बहुत सारे हर्डल्स थे रास्ते में, जैसे वाटर हर्डल थे, ओपन डिचेस थे, या फिर फेंसिंग थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा है, रनिंग करी है बेसिकली उस ट्रैक के अराउंड। एंड दिस हैज हैपेंड, दिस इवेंट हैज हैपेंड इन USA। किसने ये 30-year-old रिकॉर्ड ब्रेक किया है? इंडियन पर्सन है ये जिनका नाम है, आप बताइए क्या नाम है। चलो सब लोग बताओ। अविनाश सबले, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अविनाश सबले करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में है बट पढ़ाया तो हिंदी में ही जा रहा है। 30 साल पुराना रिकॉर्ड बहादुर प्रसाद का ब्रेक कर दिया है विद द टाइमिंग ऑफ 13 hours 25 minutes 65 seconds। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अविनाश सबले इसका करेक्ट आंसर है। अब क्या था, बहुत सारे हर्डल्स थे, उन्होंने फिर भी इसको क्रॉस किया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडियन पर्सन ने, किसी ने ऐसा किया है ये काम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। राइट राइट, एनी अदर इंसाइट्स कमिंग इन? आप लोग को पता है उसने कौन सा गेम खेला था? मैंने तुम लोग को बता दिया कौन कौन से हर्डल्स आए थे। वाटर हर्डल्स थे, ओपन डिचेस थी, ठीक है, जैसे फिसल भी सकते हैं उसमें, पर उसने उसमें रन किया है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग दैट यू आर सेइंग। अच्छा ये 13 आवर्स नहीं है, दिस इज 13 मिनट्स, 13 मिनट्स है ये, राइट। आई विल अपोलोजाइज फॉर द सेम, मैंने 13 आवर्स बोला, दैट वॉज माई मिस्टेक, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू क्लियर। दिस इज 13 मिनट्स, 13 मिनट्स 25 सेकेंड्स 65 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। सो ये टाइमिंग ये है, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्फर्म इट, 13 मिनट्स एंड नॉट 13 आवर्स, ठीक है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू ऑल ऑफ अस, समझ आ गया है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हु हैज ऑथर्ड द बुक, किसने लिखी है स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, रिलीज करी गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने। अब ये क्या इंपॉर्टेंट बुक नहीं होगी? गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट खुद चल के आ रहे हैं इस बुक को रिलीज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज किया है। बुक का नाम है स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय होम? एनी आंसर्स कमिंग इन? वेरी गुड इशिका, वेरी गुड हीना, करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट आंसर इज प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह इज द राइट आंसर। प्रकाश सिंह जो है IPS ऑफिसर रह चुके हैं एंड ही हैज ऑल्सो बीन DGP, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं, जो हाईएस्ट रैंक है DGP भी रह चुके हैं। DGP की फुल फॉर्म एक बार आप चेक करिए, ठीक है, क्या मैं सही फुल फॉर्म बता रही हूँ? DGP की फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, सही बताया मैंने। प्रकाश सिंह जी ऐसे रह चुके हैं, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है एंड इनको प्रकाश सिंह जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आई मीन ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एज वेल, ठीक है। इनको प्रकाश सिंह जी को बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज, हाँ, चीफ रह चुके हैं BSF के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पद्म उन्हें मिला है या नहीं मिला है दिस आई एम नॉट टू श्योर, बट वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ रह चुके हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके चीफ रह चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन्हें कहा जाता है, पुलिस
कि जो विंग है उसको चेंज करने में इन्होंने बहुत हेल्प करी है, दैट इज व्हाट दे मीन टू से. सो दे हैव, ही हैज रिटन अ बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म, दैट इज द राइट आंसर. प्रकाश सिंह इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, दैट इज द क्वेश्चन. बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, व्हाट शुड बी द राइट आंसर. कौन है यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म? फिर स्मृति ईरानी कौन है, फिर जी किशन रेड्डी कौन है, गजेंद्र शेखावत जी कौन है, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म. करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए. ठीक है, सॉरी. राइट, सो यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इज वेरी गुड, गौड सिंह और सत्यम मिश्रा बिल्कुल सही आंसर है. जी किशन रेड्डी इज द राइट आंसर. यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म जी किशन रेड्डी जो है हमारे मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है. अभी ना इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है. दिस कॉन्फ्रेंस इज बेस्ड ऑन, ये एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि हम एक कल्चर हब बनाना चाहते हैं इंडिया को. ठीक है, कल्चरल हब बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रमोशन हो. एक बार टू बी प्रिसाइज, मुझे एक सेकंड दो, मैं तुम लोग के साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ. कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, उसमें जी किशन रेड्डी जी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है. अभी कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू. ठीक है, ये जो हुई है कॉन्फ्रेंस, जस्ट अ मोमेंट, दिस जस्ट टू येस्टरडे ओनली. हाँ, इन क्रूज कॉन्फ्रेंस है ये, क्रूज कॉन्फ्रेंस. अब ये जो क्रूज कॉन्फ्रेंस है, हम इंडिया को क्रूज हब बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडियन कंपनीज एंड इंटरनेशनल कंपनीज आए और इंडिया में इन्वेस्ट करें और हम क्रूज बनवाएं यहाँ पर और क्रूज हब बनाएं इंडिया को. सो दे आर आस्किंग कौन है यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, तो करेक्ट आंसर है जी किशन रेड्डी. स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, याद रखना मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्मृति ईरानी. गजेंद्र शेखावत जी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हम इन्हें बोलते हैं. अश्विनी वैष्णव, मैंने कल भी पढ़ाया था, रेलवे मिनिस्टर भी हैं. अश्विनी वैष्णव इज ऑल्सो माई टीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली. ठीक है, तो पता होना चाहिए. ये जो जी किशन रेड्डी जी इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अभी 2 डे कॉन्फ्रेंस हुई है, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है. ये क्रूज के बेसिस पर हुई है, IICC है ये. ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस करके कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. इंडिया का पहला ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स बायोमास का यूज़ करेगा ये. ठीक है, बायोगैस का यूज़ करेगा, उसको बायोगैस यूज़ करके एक ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? ईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन इज कमिंग अप वेयर, कैन यू टेल मी? इज इट कमिंग अप इन जयपुर, मुंबई, चेन्नई या फिर गुरुग्राम? कहाँ पर आ रहा है ये ईवी चार्जिंग स्टेशन जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बना हुआ है, मीन्स बायोगैस से इसकी जो है ये चलेगा, तो ये कहाँ पर आ रहा है? एनी आंसर्स कमिंग इन? नो, चेन्नई में नहीं आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग. वेरी गुड, इशिका ने सही आंसर दिया है. इट इज़ कमिंग अप इन मुंबई महाराष्ट्र में ये आ रहा है. अब क्योंकि हम ईवीज की बात कर रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को एलिमिनेट कर रहे हैं. अब ध्यान रखना, गुरुग्राम इज इन हरियाणा. गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं, हैज बिकम दैट वन सिटी जहां पर, ठीक है, गुरुग्राम में हाईएस्ट पॉइंट्स हैं ईवी चार्जिंग के, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स कुछ 121 या 141 चार्जिंग पॉइंट्स है. सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स कहाँ पर है, हाईएस्ट मींस लार्जेस्ट, सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ पर है, लार्जेस्ट पॉइंट्स कहाँ पर है, तो हम आंसर मार्क करेंगे गुरुग्राम. बायोगैस से कौन बना है, कहाँ पर बना आया है इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट? मुंबई में आया है. फिर एक बात पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट मतलब सबसे हाइट पे, सबसे लार्जेस्ट मीन सबसे हाइट पे ईवी स्टेशन कहाँ पर आया है, तो वो आया है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट करके है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट विच इज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है,
लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट विच इज इन हिमाचल प्रदेश में कितने फीट ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है कि भाई अगर आप आपके पास ईवीज हैं तो उनको चार्ज करने के लिए भी पॉइंट्स होने चाहिए, तो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये आया है। काजी जगह का नाम है, ठीक है, काजी विलेज है शायद से मेरे हिसाब से, एंड वहाँ पर ये आया है, ठीक है। इन स्पीटी हाइस, यस रूहानी का, परफेक्ट, ठीक है। तो मुंबई में जो ये है ऑर्गेनिक वेस्ट से बन रहा है, गुरुग्राम में लार्जेस्ट पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, एंड हिमाचल प्रदेश लाहौल एंड स्पीटी डिस्ट्रिक्ट काजी विलेज में जो है हाईएस्ट, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पे बना है ये, ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, बिल्कुल सही इंसाइट्स दिए हैं। यूनियन मिनिस्टर, अब पता होना चाहिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर कौन है, नारायण राणे हैं। एक तो हमने क्वेश्चन से ही पढ़ लिया कि नारायण राणे इस एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, खादी मेड इन इंडिया होगा। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो होता है जहाँ पर मैक्सिमम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स अचीव किए जा रहे हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स आर बीइंग अचीव्ड, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मीन्स सबसे अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाएगा, सब चीज़ परफेक्ट यूज़ करी जाएगी वहाँ पर। सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी कहाँ पर आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग अप, बताइए। चलो, इज इट कमिंग अप इन न्यू दिल्ली और मुंबई और हैदराबाद और बेंगलुरु, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में आया है, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड अमन, वेरी गुड गॉड सिंह, हीना, शुभम नो मुंबई में नहीं आया है, इट इज कमिंग अप इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में ये आया है, ठीक है। याद रखना खादी के फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इंडिया का पहला, ऐसे खादी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए न्यू दिल्ली में एक सेंटर आया है, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डीथ्रोन्ड, डीथ्रोन्ड मीन्स हटा दिया और उसकी जगह तुम बैठ जाना, ठीक है, सो दैट इज डीथ्रोन्ड। एप्पल को डीथ्रोन कर दिया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में, अगर हम जनवरी की न्यूज देखें ना, जनवरी के अकॉर्डिंग एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस। ब्रांड फाइनेंस जो है एक रिपोर्ट निकालती है, वो सब चीज़ें देखती है, मार्केट वैल्यूएशन देखती है कि कितनी वैल्यू है कंपनी की, उस बेसिस पर एप्पल जो है मोस्ट वैल्यूड कंपनी रही इन जनवरी 2022। बट अगर हम कल का डेटा देखें तो एप्पल जो है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी नहीं रही है, रादर सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरेबिया की एक ऑयल कंपनी है, दैट हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ एप्पल। सो नाउ समवन आस्क्स यू वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, तो सऊदी अरामको है, ठीक है। अब उसने एप्पल को हटा दिया है, एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक है, फ्रॉम 2011 जो है वो टिम कुक ही है तब से, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है, अमेजिंग कंपनी, एंड ऑफ कोर्स इतनी मार्केट वैल्यूएशन है, 2020 में भी इसको बहुत वैल्यूएबल माना गया था एंड अब इसने फिर से बूम लिया है, ठीक है। सो इट्स अ नाइस कंपनी, ऑफ कोर्स इतनी वैल्यूड है तो वो नाइस ही होगी, राइट। फिर रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, क्वेश्चन पूछ लेंगे रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। अब अगर हम सब स्टेट्स की करने बैठे तो हमें मुश्किल लगेगा, बट जो न्यूज़ में है ना, हमें वो सब नेशनल पार्क्स, रिजर्व पार्क, सेंचुरीज हमें ध्यान रखनी है। बताओ वेयर इज इट लोकेटेड, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी लोकेटेड कहाँ पर है, वेयर इज लोकेटेड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। वेरी गुड आदिति, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज राजस्थान, राजस्थान इज द राइट आंसर। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इज द राइट आंसर, मीन्स इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान से करेक्ट आंसर है, एंड इट हैज़ बिकम द फोर्थ सेंचुरी बन गई है, फोर्थ रिजर्व बन गया है ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही है, फोर्थ टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी बंदी एक जगह का नाम है जहाँ पर ये आया है, एंड दिस विल एनकरेज टूरिज्म, एनकरेज मीन्स प्रमोट करेगा, ठीक है, पुश देगा। एक मिस्टर बिरला जो है, मिस्टर बिरला की बात कौन कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ओम बिरला जी, ओम बिरला जी जो हमारे 17th लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो भी इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बैठते हैं, कोटा बूंदी से वो बैठते हैं, लोकसभा 17 लोकसभा के स्पीकर हैं, स्पीकर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब ये कुछ देर के लिए बनी थी, अब एप्पल बन गया,
देखो वैल्यूएशन डिफर करता रहता है, बट जो एक रिपोर्ट आती है ना, उस कॉन्क्रीट रिपोर्ट को हमें देखना है, ठीक है? राइट कुछ देर के लिए ही बनी, बट एप्पल को बीट करना बहुत बड़ी बात है. एप्पल ने अमेजोन को बीट किया मोस्ट वैल्यूएबल से, अब एप्पल को भी बीट कर रही है कोई और कंपनी, ठीक है? समथिंग और दी अदर, इट कीप्स यू नो फ्लिकर तो होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, बट फिर भी सऊदी अरामको ने ये पोजिशन ली, इट्स अ गुड थिंग, राइट? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिर वही क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईवी चार्जिंग आ रहा है बायोगैस से हो रहा है, तो वो बायोगैस भी पूछ सकते हैं, और दे कैन रैदर आस्क यू कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बना हुआ है. किसी भी वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, जल्दी से बताओ. आप लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप फालतू फिर स्पैम करोगे इस चीज़ को, तो दिस इज नॉट राइट, ऐसे मत करो, ठीक है? सीधा टीम तुम्हें ब्लॉक कर देगी, आई मीन यू विल बी किक्ड आउट, तो फिर दैट विल नॉट बी नाइस, राइट? सो नो, हाँ ठीक है, राइट, बिल्कुल सही आंसर है, मुंबई इज द राइट आंसर, दैट इज वॉट वी डिस्कस्ड. बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट से बना हुआ है, एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन इज कमिंग अप इन मुंबई, दैट इज द राइट आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा आर्किटेक्ट है जिसको रॉयल गोल्ड मेडल मिला है, और ये देता कौन है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स देता है, जो कि लंदन यूके में है. सिंपली दे विल आस्क यू, रॉयल गोल्ड मेडल हैज बीन वन बाय हु, बताओ. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जब मैं होती तो मैं तो ये तुक्का भी लगा के ठीक आ जाती. क्यों? नो नो, करेक्ट आंसर देखो, क्योंकि वो रॉयल गोल्ड मेडल पूछ रहे, किसी किसी इंडियन को ही मिला होगा तभी वो हमसे पूछ रहे. वेरी गुड स्नेहा, स्नेहा सही आंसर दिया है, बालकृष्ण दोषी को मिला है. बालकृष्ण दोषी को प्रिट्जकर प्राइज भी मिला है. प्रिट्जकर प्राइज, अगर तुम्हें पता है, प्रिट्जकर प्राइज इंडिया का हाईएस्ट प्रिट्जकर प्राइज इज इंडिया का हाईएस्ट आर्किटेक्चरल अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट या इंडिया का लार्जेस्ट आर्किटेक्चरल अवार्ड है, आर्किटेक्ट अवार्ड है ये, ठीक है? प्रिट्जकर प्राइज सबसे हाईएस्ट ऑनर है ये बेसिकली आर्किटेक्ट्स के लिए. सो रॉयल गोल्ड मेडल हैज़ बीन वन बाय बालकृष्ण दोषी, इनको मिला हुआ है पद्म भूषण, इनको प्रिट्जकर प्राइज भी मिला हुआ है, एंड ही हैज़ वन रॉयल गोल्ड मेडल ऑल्सो. इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है इस फील्ड में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है फॉर हिज डिस्टिंग्विश सर्विस इन एक्सेप्शनल ऑर्डर एट अ डिफेंस इन्वेस्टिजर सेरेमनी. अब उन्होंने क्या काम किया वो सब छोड़ो, बट अब किसको मिला है ये परम विशिष्ट सेवा, दैट इज द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग. परम विशिष्ट सेवा हैज बीन गिवन टू हु, ठीक है? काफी लोगों को मिला है, बट हम जो फेमस इंसान होंगे, जो काफी ज्यादा न्यूज में होंगे, हम उनको ध्यान रखेंगे. सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू शुड बी व्हाट, बताओ किसको मिला है? वेरी गुड, मनोज पांडे. मनोज पांडे इज द राइट आंसर. मनोज पांडे बिल्कुल राइट आंसर है. मनोज पांडे इज जनरल, आर्मी चीफ जनरल हैं ये, आर्मी चीफ जनरल हैं ये, आर्मी चीफ बोल सकते हैं इनको, जनरल मनोज पांडे जी बोलते हैं, एंड ही हैज़ वन परम विशिष्ट सेवा, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज बी, विच इज मनोज पांडे. देन बिपिन रावत जी की डेथ हुई थी, है ना? अभी वेरी सैड न्यूज केम आर वे दैट ही जस्ट यू नो प्लेन क्रैश हुआ था बेसिकली, एंड ही जस्ट एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट, डेथ हो गई थी उनकी ऑन द स्पॉट. वेरी वेरी सैड न्यूज. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम CDS, विच इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड अगेन ही वॉज ऑल्सो आर आर्मी जनरल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. वो आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, एंड देन ही वॉज गिवन दिस पोजिशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट टाइम 2020 में, दैट द पोजिशन वॉज गिवन टू हिम. एंड एनी न्यू अपॉइंटमेंट दैट टेक्स प्लेस, कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में, तो वो उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? तो परम विशिष्ट सेवा हैज़ बीन गिवन टू मनोज पांडे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लियोनिड क्राफ्टचुक हैज पास्ड अवे. ये प्रेसिडेंट कहाँ के थे? लियोनिड क्राफ्टचुक जो है, ही हैज़ पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई है. एंड ये प्रेसिडेंट कहाँ पे के थे? इंडिपेंडेंट मींस जब उसको फ्रीडम मिल गई थी तब के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. यस आयन, जैसे ही कह रहे हो, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हुई है, राइट? फिर लियोनिड क्राफ्टचुक बिलोंग्ड टू, वेरी गुड वेरी गुड, यूक्रेन इज द राइट आंसर. यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और उसके फर्स्ट यू नो प्रेसिडेंट की डेथ हुई है. करंट प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है. वोलोडिमीर जेलेंस्की जो है करंट प्रेसिडेंट हैं,
प्राइम मिनिस्टर आप लोग बताइए मुझे, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? प्रेसिडेंट मैंने बताया वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, कीव इसकी कीव करके इसकी कैपिटल है, ठीक है? पीएम बताइए, पीएम आप लोग बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ पीएम ऑफ यूक्रेन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. फिर हु होस्टेड SCO, विच इज शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मीट हुई थी? तो ये इंडिया ने होस्ट करी है, न्यू दिल्ली में ये होस्ट हुई थी, ठीक है? याद रखना SCO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडिया ने ये होस्ट करी है SCO रैट्स मीट. फोकस रहा है कि भाई अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है, अफगानिस्तान में ये सिचुएशन है, कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, साफ पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है अफगानिस्तान में. सो काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स जो हैं डेलिब्रेटेड मीन्स उन्होंने डिस्कस किया बेसिकली कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं आपस में जिससे कि अफगानिस्तान में सिचुएशन ठीक रहे. दैट इज़ द थिंग दैट दे सेइंग. एंड दिस मीटिंग जो है, ये मीटिंग हुई है शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर. ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली एक ऑर्गन साइड सॉर्ट ऑफ इन्होंने सब्सिडरी से बना दी है, इसको एक्सटेंड कर दिया है कि एंटी टेररिज्म जो भी एक्टिविटी होगी वो इस ऑर्गन के अंदर हो सकती है. इसकी जो है करंट प्रेसिडेंसी जो है ताशकेंत उज़्बेकिस्तान के अंदर है. ताशकेंत उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के अंदर, ताशकेंत उज़्बेकिस्तान के अंदर इसकी प्रेसिडेंसी है. और शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है. जैंग मिंग इसके सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है? वेरी गुड स्नेहा. डेनिस शिमहेल उनका नाम है, डेनिस शिमहेल इज द प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ठीक है? फिर लुई विटॉन के फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एनी आंसर्स कमिंग इन? दिस इज वेरी इजी, काफ़ी न्यूज़ में रहा ये कि लुई विटॉन की फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है. एंड द करेक्ट आंसर इज, अभी भी उन्होंने साड़ी पहनी हुई है कैंस में, वेज वो सब आकर ऐसे रैंप वॉक करी एंड देन शी इज़ डूइंग नमस्ते ऑल्सो. तो ये शी इज़ यू नो शी इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस. आई वॉन्ट टू टेल यू हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस है, वन ऑफ द हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं ये. एंड शी इज़ ऑल्सो बैडमिंटन प्लेयर भी हैं ये, बेसबॉल भी खेला हुआ है इन्होंने स्टेट लेवल पे. एंड शी इज़ ऑल्सो बैडमिंटन नेशनल प्लेयर. उनके फादर जो हैं has won also, Prakash Padukone ji, again a badminton player. And yeah, Deepika Padukone is the right answer and first ever Indian ambassador ban gayi. She's also brand ambassador for Levi's, for also Adidas and a lot of other brands as well, Pepsi, Coca-Cola to name a few. A lot of them, I mean a lot of brands are there jinki brand ambassador ye hain, theek hai? So Oppo phone ki bhi hain, theek hai? So correct answer is Deepika Padukone. Yeah. ब्लैक एंड गोल्डन साड़ी बाय सब्यसाची, राइट स्नेहा? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ठीक है? एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? नेक्स्ट बन गए हैं राजीव कुमार, ठीक है? अब इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है. ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ रहे हैं तो राजीव कुमार इज द राइट आंसर. सो ना ये गलती मत करना, मैंने एक्साइटमेंट में एंड व्हेन आई वाज गिविंग माय क्लैट, सो मैंने बस इलेक्शन कमिश्नर पढ़ा और मैंने समझा चीफ ही होगा और मैं चीफ मार्क कराई. बल्कि कुछ दिन पहले अपॉइंटमेंट हुआ था सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर का. उन्होंने पूछा हुआ था हु वॉज अपॉइंटेड रिसेंटली एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड आई रैदर देन गेटिंग प्लस वन आई लॉस्ट -0.25 एंड that is very sad because नहीं आता तो बात अलग है, बट तुम्हें आता है तुम एक्साइटमेंट में गलत मार्क करके आ रहे हो. दैट्स वेरी वेरी सैड, राइट? सो ध्यान से आंसर मार्क करना. सो नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? राजीव कुमार बन गए हैं. अनूप चंद्र पांडे इज इलेक्शन कमिश्नर. एंड एक बात और बताना चाहती हूँ, दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स बट अभी एक सीट वेकेंट है क्योंकि राजीव कुमार खुद ही इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजिशन मिल गई है. सो शील चंद्रा जी होते थे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? सो इस पर थोड़ा ध्यान रखना. और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए. और ना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्योंकि जो भी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शन हैं, जो भी इलेक्शन हैं, कंडक्ट कौन करा रहा है इन्हें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सब भेजती है, तो ये सब इनका ही काम होता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये,
ठीक है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, आई डू रीड एट चैट्स, मैं पढ़ रही हूँ तुम लोग की चैट्स. ऑफकोर्स पेन पेपर एग्जाम में क्यों नहीं मिलेगा भाई, और क्या मैथ्स को क्या हवा में थोड़ी ना सॉल्व करोगे. ऑफकोर्स यू विल गेट मैथ्स, आई मीन यू विल गेट पेन पेपर. सो राजीव कुमार इज राइट आंसर. ठीक है, इतने ज़्यादा हाइपर मत हो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. राइट राइट, राजीव कुमार, वो राजीव कुमार कोई और है, जो नीति आयोग वाले कोई और हैं. ठीक है, फिर अब तो वो हट गए हैं, अब नहीं है वो, वाइस चेयरपर्सन थे, अब वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी हैं. फिर गोल्ड मेडल किसको मिला है वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में, इंटरनेशनल गेम्स हुए थे, ठीक है, लिमासोल में हुए थे. सो हु हैज़ 100 मीटर हर्डल्स गेम, किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज ज्योति याराजी. ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं एंड इनको काफ़ी रिजेक्शन मिली है लाइफ में, शी हैज़ बीन रिजेक्टेड ट्वाइस आई गेस, और तब जाकर इन्होंने देखो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड ही बना दिया. तो बहुत बड़ी बात है, ज्योति याराजी 100 मीटर हर्डल्स उन्होंने गेम जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैटालिन नोवाक जो है फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं कौन सी कंट्री के. सो कैटालिन नोवाक फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं, कौन सी कंट्री की बन गई हैं? करेक्ट आंसर इज हंगरी. ठीक है, नाम याद रखना, कैटालिन नोवाक करके है, हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं. प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंटेड? सो करेक्ट आंसर इज संजीव बजाज जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. ये नॉन गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है. ठीक है, इसके प्रेसिडेंट तो हमने देख लिया, इसके चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी जनरल कोई और है, इसके सेक्रेटरी जनरल भी याद करो, क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. बेसिकली ट्रेड में काम करती है, मेंबरशिप एसोसिएटेड है, और ट्रेड एसोसिएशन होते हैं ना जैसे, ये दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट. ठीक है, तो ये ट्रेड एसोसिएशन टाइप ऑफ बॉडी है. ठीक है, संजीव बजाज इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट. एक सेक्रेटरी जनरल दोबारा सर्च करना. देन प्राइम मिनिस्टर फॉर श्रीलंका फॉर द फिफ्थ टाइम कौन बन गए हैं? रानिल विक्रमेंगा, विक्रमसिंघे उनका नाम है. ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकती है, ऑफकोर्स डिफरेंट कंट्री. सो रानिल जी बन गए हैं, दैट्स अ सिंपल वे दैट वी कैन से. एंड ही हैज टेकन ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर द फिफ्थ टाइम. आई वॉन्ट टू टेल यू, श्रीलंका की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, इन्फ्लेशन है. ठीक है, आई वॉज ओनली रीडिंग एन आर्टिकल येस्टरडे दैट सेड दैट श्रीलंका में ओनली फॉर वन शिप ऑफ पेट्रोल के पैसे भी नहीं हैं. ठीक है, एंड सम डेज बिफोर वी वर रीडिंग कि एक महीने के खाने के पैसे भी नहीं हैं, इन्फ्लेशन एट इट्स पीक है. एंड आपको बताना चाहिए, इंडियन रुपी जो है हाई, मतलब ज़्यादा होता है, इंडियन रुपी बड़ा है श्रीलंकन रुपी से. ठीक है, वन श्रीलंकन रुपी इज समवेयर अराउंड 4 point something इंडियन रुपी होता है, तो इंडियन रुपी बड़ा है बेसिकली. एंड सिचुएशन तो वहाँ पे काफ़ी ख़राब है ही. एंड तुमने देखा होगा कार्स वगैरह जो है वहाँ सी में गिर रहे हैं लोग. एंड दिस महिंदा राजापक्षा एंड गोटब्बे राजापक्षा, नेपोटिज्म दैट वी से. एंड गोटब्बे राजापक्षा इज प्रेजिडेंट एंड महिंदा राजापक्षा वॉज प्रीवियसली प्राइम मिनिस्टर. पहले प्रेजिडेंट थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर प्रेजिडेंट बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये बदलते रहते हैं. ये जो राजापक्षा है, इन्हीं की फैमिली के लोग अपॉइंट होते जा रहे हैं, तो इन्होंने सारा पैसा अपने पास रख रखा है. दैट इज व्हाट पीपल से, पीपल आर वेरी एग्जैस्परेटेड, बहुत ज़्यादा अनॉयड है दैट यू नो कंट्री को संभाल नहीं पाए हैं. सो एनी वे दे हैड टू रिजाइन फॉर दैट मैटर. सो सिचुएशन इज रियली वर्स इन श्रीलंका. लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग माइग्रेटिंग टू इंडिया ऑल्सो. एंड इफ द माइग्रेशन गोज ऑन दिस लेवल, तो इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल. राइट, फाइन, वेरी एग्जैक्टली, वेरी सैड न्यूज़ फॉर ह्यूमैनिटी. तुम सोचो ना, एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, कितना मुश्किल होगा रहना वहाँ पर, इज़न्ट इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. शेख खलीफा बिन जायद हैज़ पास्ड अवे, ये प्रेजिडेंट कहाँ के थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. UAE के प्रेजिडेंट वो थे, ठीक है, एंड ही हैज़ पास्ड अवे. 73 ईयर्स के थे शायद से. एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल अबू धाबी है, लार्जेस्ट सिटी दुबई है. UAE की कैपिटल दुबई नहीं है, UAE की कैपिटल अबू धाबी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की बात करें, हाईएस्ट पेड एथलीट इज लायनल मेसी, ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना से है. उनकी इनकम कितनी है? $130 million है.
ठीक है, रिपोर्टेड, मतलब अभी कंफर्म नहीं है बट रिपोर्ट किया गया कि उनकी इतनी जो है इनकम है एंड हाईएस्ट पेड एथलीट रह चुके हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोस्ट फॉलोड हैं ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज मोस्ट फॉलोड ऑन इंस्टाग्राम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा स्टेट या यूटी ऐसा बन गया है जो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर रहा है. मींस अब क्या हुआ है, सुनते हैं ना कि पेंशन नहीं मिलती है लोगों को, पहले जैसे पेंशन अब नहीं मिलती है, बट अब वो इस चीज़ को रिस्टोर कर रहा है, मींस वापस ला रहा है पेंशन स्कीम को कि अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को मैं ये पेंशन भाई प्रोवाइड करूंगा. क्यों? क्योंकि तुम्हें एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है या फिर अश्योर्ड इनकम मिलती है तुम्हें. सो छत्तीसगढ़ इज डूइंग दिस. छत्तीसगढ़ 100 डोर स्टेप डिलीवरी भी करा रहा है, जो 100 दिस मेन सर्विसेज जो होती हैं उसकी होम जो है डोर स्टेप डिलीवरी भी करा रहा है बेसिकली. ठीक है, होम डोर स्टेप डिलीवरी करा रहा है. सो छत्तीसगढ़ इज डूइंग, आई मीन गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड अ लॉट ऑफ यू नो न्यू बेनिफिट्स अक्रू होंगे टू आई मीन जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोग को, राइट. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है यूएन को फॉर द प्रोजेक्ट हिंदी @UN प्रोजेक्ट. वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं. $800K जो है इंडिया ने प्लेज किया है. अब मेरी एक बात समझना, हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी. ठीक है, तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज वॉट इट सेज. एंड यस, तो जो है इंडिया ने प्लेज किया है $800 की. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द फॉरेन रेमिटेंसेस रिसिपिएंट लिस्ट बाय रिसीविंग $89 बिलियन. रेमिटेंसेस क्या होता है, जो पैसे मिलते हैं. थोड़ा सा जैसे आई लिव इन USA फॉर इंस्टेंस एंड माई पेरेंट्स आर हियर इन इंडिया. ठीक है, तो मैं अपना कुछ कुछ सेविंग्स करके या कुछ कुछ पैसे जो है अपने पेरेंट्स को सेंड करूँगी जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सके, अपना खाना रोजी रोटी ठीक रखें. ठीक है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर ओल्ड, दे कैन नॉट अर्न. सो फॉर दैट मैटर रेमिटेंसेज प्रोवाइड होते हैं. तुम बाहर हो, तुम अपनी इंडिया में रेमिटेंसेस भेज सकते हो, किसी भी कंट्री में जो जहाँ तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, मॉम डैड हैं, जिनको भी तुम्हें भेजना है. ठीक है, उनको भेज सकते हो. तो इंडिया को मैक्सिमम रेमिटेंसेस मिले हैं $89 बिलियन. दैट इज़ व्हाट इट मींस टू से अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? इंडिया ने टॉप किया है. ठीक है, इंडिया ने टॉप किया है एंड इट हैज़ रिसीव द मैक्सिमम रेमिटेंसेज $89 बिलियन. एंड मैक्सिमम कौन सी कंट्री ने दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मैक्सिमम रेमिटेंसेस आए हैं. ठीक है, याद रखना. फिर रशिया जो है अपना विक्ट्री डे बनाती है 9 मई को. विक्ट्री डे इसलिए बनाती है क्योंकि सोवियत यूनियन की विक्ट्री हुई थी. ठीक है, सोवियत यूनियन की विक्ट्री हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू की बात है ओवर जर्मनी के नाजीज थे उनके ओवर विक्ट्री हुई थी सोवियत यूनियन की. मोर यू कैन रीड योर सेल्फ, इतना ज़्यादा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट इतना ही था वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2. वैसे तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जो ये रनिल विक्रमसिंघे हुए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? महिंदा राजापक्षा को रिप्लेस किया है. गोटब्बे राजापक्षा इज द प्रेजिडेंट. ठीक है, तो पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए तुम लोग को. ये शायद से ताऊजी के बेटे हैं, मतलब गोटब्बे राजापक्षा इनके ताऊजी के बच्चे हैं, बेटे हैं, मतलब समथिंग लाइक दिस लाइक दैट. ठीक है, तो नए कौन बन गए हैं श्रीलंका में, क्या चल रहा है? थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, तो हमें थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का. ठीक है, यू कैन डाउनलोड दी ऐप, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप. फ्री कंटेंट, फ्री PDFs एज वेल एज पेड बैचेस, आप दोनों चीज़ें जाकर चेकआउट कर सकते हो ऑन द ऐप. एक बार जाकर चेकआउट जरूर करो, ऑल द फ्री PDFs दैट आर अवेलेबल. एंड इफ यू इंटरेस्टेड, पेड बैचेस भी आप चेकआउट कर सकते हो. गो कूल विद गोकुल छाबड़ा इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. इस चैनल पे 25 या फिर 26,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब आई मीन नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो CUET एस्पिरेंट्स हैं ये लोग एंड ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं. इनको सारी इन्फॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल रही होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन A to Z, कहीं आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल रहा होगा, गोकुल विद गोकुल छाबड़ा. इस टेलीग्राम चैनल को जाकर अभी कभी ज्वाइन कर लो. 6397662212 इज द फोन नंबर. कोई इंक्वायरी है, कोई सजेशन है, कोई बात पूछना चाहते हो, कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज. आई होप यू फाउंड द क्वेश्चंस यूजफुल एंड सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. ट्राई मेकिंग नोट्स एंड सो दैट यू कैन रिटेन एज वेल. ऑल राइट,
थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू ऑल्सो, बाय बाय. आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस फॉर श्योर, फॉर श्योर.